संत हिरदाराम नगर के संकट मोचन खेड़ापति हनुमान मंदिर बेटा गांव में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा कराई जा रही है। कथा के चौथे दिन कथावाचक आचार्य श्री पंडित शंकर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनकी लीलाओं का रसपान कराया। कथा स्थल पर हजारों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर संत हिरदाराम नगर स्थित संकट मोचन खेड़ापति हनुमान मंदिर बेटा गांव में पिछले 20 वर्षों से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव और भव्य शिव बारात निकाली जाती है। इस वर्ष भी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 7 मार्च तक चलने वाली भागवत कथा के चौथे दिन कथा वाचक आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन की लीलाओं का रसपान कराया, जिसे सुनकर श्रोता गढ़ भाव विभोर हो गए। वहीं आयोजक समिति के आजाद सिंह सिसोदिया ने बताया कि प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर कथा का आयोजन किया जाता है। 8 मार्च को शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक हवन पूजन आरती की जाएगी। पुत्र हो तो शुभ यज्ञ किया गया और यज्ञ के पश्चात अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए पायस लेकर के उस पायस हम भारतवासी होता हजारों वर्ष 500 वर्ष की शिक्षा के बाद इस वर्ष रामलला जी का मंदिर हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष में प्रतिवर्ष अभी 24वीं हमको साल हो रही है और हर वर्ष भगवान भोलेनाथ की जो भव्य शिवरात्रि होती है उसके उपलक्ष में पहले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा अमृत महोत्सव होता है। इसके बाद में 8 तारीख को भगवान शिव जी की शिव बारात निकलती है और शाम को विशाल भंडारे का कार्यक्रम होता है। प्रतिवर्ष हम हर प्रतिवर्ष में कथावाचक को अलग अलग जगह से बुलाते हैं। इस बार हमारे कथावाचक चित्रकूट धाम से श्री कृपा शंकर दास जी महाराज हमारे को कथा महोत्सव महा का ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं और हर वर्ष भगवान भोलेनाथ की भव्य शिव बारात भी निकाली जाती है और भगवान के शिव बारात के बाद पश्चात भगवान का विशाल भंडारे का कार्यक्रम होता है। महाशिवरात्रि के दिन विशाल शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें हाथी घोड़े डीजे ढोल की थाप में श्रद्धालु नाचते गाते हुए चलेंगे। शिव बारात में विभिन्न देवी देवताओं की चलित झांकियां शामिल होंगी। जगह जगह पर संत नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हिंदू संगठनों द्वारा शिव बारात का स्वागत भी किया जाएगा। शिव बारात का रसपान के बाद भंडारे का आयोजन होगा। EMT न्यूज भोपाल।